भाई 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 यार, डंकी यार, मतलब बॉस, इसके बारे में, इस फिल्म के बारे में ना क्या रिव्यू मैं दे सकती हूँ बॉस। शुरुआत करूंगी, एक एक चीज बताऊंगी आपको, स्पॉइलर फ्री ये रिव्यू रहने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्टेस्ट रिव्यू जो कि आपको सुनने में मिलेगा बॉस। सबसे पहले तो ना, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, राजकुमार हिरानी, ये बंदा कुछ भी क्रिएट कर सकता है, और इमोशंस और डायरेक्शन, ओ माय गुडनेस, टॉप नॉच। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बॉस, डंकी का एक ओवरऑल अगर मैं आपको रिव्यू बताऊं, दिस इज अ मास्टरपीस ऑफ अ मूवी, जो आप अपनी फैमिली के साथ, लिटरली छोटे बच्चों के साथ आप जाकर के इस फिल्म को देख सकते हो, फैमिली के बुजुर्गों के साथ। जो बातें पहले आ रही थी ना सुनने में कि भाई ऐसा क्या है फिल्म में, बॉस सच में आप जाओगे ना, आप सच में आप भूल जाओगे अपनी दुनिया को और डंकी की, हार्डी की दुनिया में खो जाओगे। क्या तरीके का डिपिक्शन है, क्या तरीके का पोर्ट्रेयल है, एब्सोल्युटली फैंटेबुलस। मतलब शुरुआत करते हैं हम लोग कि फर्स्ट, जब फिल्म जब शुरू होती है, वैसे भी फिल्म का ड्यूरेशन जो है ये कोई बहुत ऐसी नहीं, बहुत लंबी मूवी नहीं होने वाली है, लेकिन जब फिल्म शुरू होती है ना, आपको वो राजकुमार हिरानी वाला जो फ्लेवर होता है, जिसको हम मिस कर रहे थे इतने टाइम से, यार वो वापस आ चुका है, वो आपको इस फिल्म में मिलने वाला है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली रिफ्रेशिंग द काइंड ऑफ डायरेक्शन ही डज। ठीक है, शुरुआत में फिल्म शुरू होगी, फिर मैं आपको, जैसे मैं रोक रही हूँ खुद को, स्पॉइलर्स नहीं देना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन आपको लगेगा कि यार एक फन फिल्ड राइड होने वाली है, एक मस्ती भरी चीजें होने वाली है, एक कहानी के साथ शुरुआत होती है। और जैसे हमने देखा राजकुमार हिरानी की जो भी फिल्में हैं, चाहे वो थ्री इडियट्स है, चाहे वो पीके थी, या चाहे वो उससे पहले मुन्ना भाई थी, एक कहानी इतनी गंभीर, इतनी इंटेंस होती है दैट यू गेट इनग्रॉस्ड इनटू इट, और उसके बाद शुरू होता है असली कॉमेडी का तड़का, असली ड्रामा, असली एवरीथिंग, ऑल ऑफ दैट स्टार्ट्स। दिस मूवी हैज अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस, ओके, ये मैं पहले ही बता देती हूँ आपको, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, लेकिन ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड है, और उसमें भी आपको कहीं कहीं पर अपनी लाइफ के टचेस मिलेंगे। मतलब जो फैमिली या जो लोग अपने देश को छोड़ करके जाते हैं बाहर देशों में सेटल होने के लिए, वहां पर उनके उनके क्या चैलेंजेस होते हैं यार, उनको कितना कुछ सहना समझना पड़ता है, वहां जाकर उनके साथ क्या चीजें होती है, आई हैव नो वर्ड्स, आई हैव नो वर्ड्स। उसको उसको किस तरीके से पोर्ट्रेयल और क्या एक्सट्रैक्शन है ऑफ द इमोशंस राजकुमार हिरानी का, एब्सोल्यूटली एब्सोल्यूटली अमेजिंग। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ सुपर डुपर एंटरटेनिंग आपको लगने वाला है, उसके बाद सेकेंड हाफ में जब फिल्म स्टार्ट होती है ना, असली कहानी जब शुरू होती है, सच बता रही हूँ, कोई कोई मोमेंट्स ऐसे आएंगे आप बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाले हो, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी कहीं कहीं पर, लिटरली लिटरली। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं ऐसे इमोशंस की, अगर हम बात करते हैं कि भाई ऐसा जो पोर्ट्रेयल होता है, जब जब भी हम कुछ ऐसा इंटेंस सीन देखते हैं, तो क्या वी लिटरली फील कि भाई वो सामने जो कैरेक्टर है, हार्डी का कैरेक्टर जो है, या उसके जो दोस्त है उन, मतलब विक्की कौशल का कैरेक्टर ना, आप यू विल बी फ्लोर टू सी विक्की कौशल इन दिस मूवी। मतलब मैं बीच में से जंप इन स्लिप इन कर रही हूँ विक्की कौशल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस थे, मैं सच बता रही हूँ, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस थे जिसमें आपको लगेगा कि विक्की कौशल का क्या भाई साहब एक्टिंग लेवल है, क्या इमोशंस उन्होंने, मतलब क्या किस पैशन के साथ अपने डायलॉग्स एंड एवरीथिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। ठीक है, तो जब हम पोर्ट्रेल्स की बात करते हैं और ऐसे एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि क्या लिटरली सच में कभी ऐसा हो सकता है। ये कहानी एक ऐसी है ना जो आपको सुपर डुपर रिलेटेबल लगने वाली है, और ऐसा लगेगा कि भाई ये सच में हुआ होगा जिनके साथ, उनका क्या हुआ होगा, जस्ट इमेजिन वो किस ट्रॉमा से गुजरे होंगे। एंड यहाँ पर तो सिर्फ एक हम देख रहे हैं कि डिपिक्शन है, मूवी है, जिन लोगों की लाइफ में मतलब उन्होंने बड़े बड़े लॉसेस झेल लिए, इस वजह से उनके साथ क्या हुआ होगा। सो दिस इंटायर कॉन्सेप्ट, सच अ फ्रेश कॉन्सेप्ट, एग्जीक्यूशन वाइज कई चीजें आपको लगेंगी कि मतलब जो राजकुमार ईरानी वाली कॉमेडी होती है ना, वो नजर में आएगी। देखो, एक्सपेक्टेशंस जो है सबकी अलग अलग है, हर एक बंदे की अलग अलग है, उसकी चॉइसेस अलग अलग है। अगर मैं ये बोलूंगी कि नहीं भाई कॉमेडी इतनी ऐसी है कि आप हंसते हंसते गिर जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। कॉमेडी इज लाइक लाइट हार्टेड मोमेंट्स बहुत सारे आएंगे इसमें, जो आपको मतलब कह सकते हैं ना कि यू विल बी फीलिंग द एंटायर मूवी थ्रू आउट। प्लस साथ में द म्यूजिक, बीजीएम तो जो चलता है भाई, लुटपुट पे जो डांस किया है पब्लिक ने नीचे उतर करके स्टेज पर, लिटरली इट वॉज फायर टू सी। ठीक है, और जबकि हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बताना भूल गई आपको कि आज के दिन थर्सडे जब हम देख रहे थे ना एडवांस बुकिंग कैसी आई है या जो भी है, यार थर्सडे मॉर्निंग में भी मैं देख रही हूँ कि हाउसफुल है, मतलब शाहरुख खान, और मैंने आपसे ये बोला था कि जो एडवांस बुकिंग आएगी वर्सेस जो कलेक्शन आएगी उसमें कोई कोरिलेशन बचेगा ही नहीं, दोनों की दोनों फाड़ आने वाली है। कलेक्शन अभी देखना, शाम को जो हम नंबर की बात करेंगे, फाड़ू नंबर आने वाला है, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। ठीक है, कहीं कहीं पर ऐसा जरूर आपको लग सकता है कि यार थोड़ी सी स्ट्रेच या ड्रैग, या फिर आपको कहीं कहीं पर ऐसा लग सकता है कि स्टोरी टेलिंग और थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, मगर ओवरऑल मैं आपसे बोलूंगी दिस मूवी इज नॉट टू बी मिस्ड, आपको जरूर जरूर फैमिली के साथ देखनी चाहिए, बिकॉज ऑफ द शियर टॉपिक, बिकॉज ऑफ द टॉपिक, किस टॉपिक को टच किया है राजकुमार ईरानी ने, किस तरीके से उसके पोर्ट्रेयल्स हुए हैं, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है। और प्लस एक
एक जगह की एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की कहानी है। तो वो कहानियां जब हम बात करते हैं सिनेमा की, रीजनल सिनेमा जो है वो कितनी ग्राउंडेड कहानियां हमको बता रहा है, हमारे को लोकल्स की कहानियां बता रहा है, तो ये भी एक कहानी ऐसी है जो कि एक कम्युनिटी के लिए है और एक कम्युनिटी के ऊपर बेस्ड है। और ये जरूर जरूर ऐसा होता है फॉरेन जो लोग जाते हैं डंकी वे से जो जाते हैं, मतलब आपको सब कुछ मूवी में पता चल जाएगा। मैं आपको इतना बता रही हूँ, मतलब मेरे रिव्यू के हिसाब से आप जाओगे तो आप 100% खुश होकर के आने वाले। जितने भी शाहरुख खान फैंस है ना, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर के आने वाले हैं। बात करूं अगर मैं न्यूट्रल ऑडियंस की कि क्या न्यूट्रल ऑडियंस को उतना ही एक्सपेक्टेशन जितनी थी वो पूरी होने वाली है, तो मैं आपको बताऊं आप जवान पठान की एक्सपेक्टेशन मत लेकर के जाना, क्योंकि ये एक्शन तो है, इसमें एक्शन कई जगहों पर बहुत सारे सरप्राइज एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन मैं आपसे फिर भी ये बोलूंगी कि एक्सपेक्टेशन जवान पठान वाली मत रखना। इसको एज अ मूवी, एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ फन फिल्ड मूवी विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड किड्स आप देख सकते हो, उसके हिसाब से जाना, मैं ये बोलूंगी। लेकिन हाँ बॉस, इतना मैं बता दूं, शाहरुख खान की 1,000 करोड़ लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज के दिन पर जब हम शाम को कलेक्शंस ट्रैक कर रहे होंगे आपको इसका भी ब्यौरा साफ साफ मिल जाने वाला है। मैं इतना ही कहूंगी कि इनफैक्ट चाहे कुछ भी काफी सारी चीजों पे आपको वीक लिंक्स लग सकते हैं, क्योंकि देखो जब आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो बीच बीच में, और हमेशा राजकुमार हिरानी की कहानियों में ना नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग होती है। कैसी होती है नॉन लीनियर, मतलब जिसमें कि कहानी कोई या तो नैरेटिव चल रहा है और फिर कहीं से बीच में कट कुछ और, फिर बीच में कट कुछ और फिर उसको एंड में जाकर के सब चीजें जुड़ती हैं, जो हमने थ्री इडियट्स में देखा था, या हमने संजू में देखा था, या हमने मुन्ना भाई में देखा था। ये नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग में आपको कहीं कहीं पर वीक लिंक्स दिख सकते हैं, आई एम टेलिंग यू। लेकिन उसके अलावा द होलसम एक्सपीरियंस इज वेरी गुड। आपको एक फील गुड फैक्टर महसूस होने वाला है, आपको अच्छा लगेगा फिल्म देखने के बाद। एंड सॉन्ग्स, What songs यार, amazing to see कि मतलब प्रीतम का जो मैजिक है एक बार फिर से चलने वाला है। मैं तो इतना बोलूंगी कि आप जब अपनी फैमिली के साथ इस फिल्म को देख रहे होगे, आपको बहुत जगहों पर बहुत कुछ मिस करोगे अपनी फैमिली का, या कई हो सकता है, और मैं इतना भी कह सकती हूँ गारंटीड हर एक की फैमिली में ऐसा जरूर हार्डी जैसा जरूर एक कैरेक्टर रहा होगा, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी ग्राउंडेड, मतलब ये कहानी काफी लोकल सोर्सेज से उठाई गई है। बात करूं भाई शाहरुख खान, इनके बारे में मैं कैसे रिव्यू दे सकती हूँ, हम चीज क्या है जो इनके बारे में रिव्यू देंगे। He is the icon. Of course, जैसे हम रोमांस की बात करते हैं, मुझे शाहरुख खान एक्शन में बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक्शन सीन्स में, उससे पहले भी एक्शन में ज्यादा पसंद आया मुझे। लेकिन हाँ, रोमांस की बात करें तो भाई लुटपुट गया सॉन्ग हो गया, या फिर जो उनके रोमांटिक एलिमेंट्स है, मैं ये बोलूंगी कि ऑफकोर्स कहीं कहीं पर आपको लग सकता है यार एज फैक्टर जरूर लग सकता है, जरूर मैं आपको बता रही हूँ ये ओपनली, बट शाहरुख खान इज अनबीटेबल इन हिज एक्टिंग, इन हिज व्हेन ही पोर्ट्रेज ड्रामा एंड इमोशन। बहुत ज्यादा ड्रामेटिक मूवी है, आपको जब वो इमोशंस जो वो एक्सप्रेस करेंगे ना, वो आपको सीधे दिल तक पहुंच जाएंगे, ऐसा होने वाला है फिल्म में। सो मेरी तरफ से मैं ये बोलूंगी सबको जाकर एक बार देखनी जरूर चाहिए। स्टार्स वगैरह यार मैं बिलीव ही नहीं करती हूँ स्टार्स देने में, फिर भी पूछोगे मुझसे तो मैं 4 out of 5 स्टार्स, एब्सोल्युटली डन, मास्टरपीस कह सकते हैं, मैं होलसम मास्टरपीस इसको नहीं बोलूंगी, मैं ये बोलूंगी कि दिस इज अ होलसम फुल फ्लेज्ड फैमिली मूवी, फुल फैमिली ड्रामा है, आप जाकर के जरूर इसको देखिएगा। तो अगर आपने देख ली है, आपका क्या रिव्यू है, क्या आप भी मेरी तरह, भाई मैं तो शाहरुख खान फैन हूं तो मैं तो बोल रही हूँ शाहरुख खान फैन भी हूँ, मैं तो मूवी फैन हूँ, मतलब मुझे डंकी से बहुत सारी और भी एक्सपेक्टेशंस थी, बट स्टिल आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दिस आउटकम, एंड आई नो कि कलेक्शंस बहुत जबरदस्त आने वाली, मेन तो वही वर्डिक्ट होता है, बट यस मैं यही बोलूंगी कि आपको मूवी मिस नहीं करनी चाहिए। बाकी व्हाट डू यू हैव टू से अगर आपने मूवी देख ली है, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जस्ट ऑल्सो फाइन शेयर।